हे गाइस, वेलकम बैक टू पल्लवीज हेल्थ बकेट। तो आज मैं आपके सामने एक मिक्स साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बड़ों को तो पसंद आती ही है पर साथ में बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर आप इसी रेसिपी से बनाएंगे तो बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए, अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो मिक्स साग के लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम मेथी ले लिया है, उसके डंठल निकाल के मैंने वॉश कर लिया है। और ये है 250 ग्राम बथुआ का साग, और ये हाफ के जी पालक है, और इसमें हाफ के जी पालक है, और एक मुट्ठा मैंने एक मुट्ठी जैसे इतना सा सोया ले लिया है। और ये है 250 ग्राम सरसों का साग, जिसकी डंठल, जो मोटी वाली डंठल होती है, वो हटाकर मैंने क्लीन कर लिया सारे साग को। और अब इन सब साग को हमें एकदम जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटना है। तो चलिए काट लेते हैं। ये हो गया सरसों का साग, ये पालक और सोया, और ये बथुआ, ये मेथी, मैंने सबको चॉप कर लिया है। और ये है प्रेशर कुकर, तो इसमें हम सारे साग को डाल देंगे। ये पूरा जो कुकर है ये फुल हो गया है, तो मैं एक काम करती हूँ, कवर कर देती हूँ। तो अभी सिर्फ इस तरह से मैंने कवर कर दिया है, और जब आपका जो साग है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसे 4 व्हिसल तक प्रेशर कुक करेंगे। ये देखिए, ऊपर से थोड़ा सा खाली हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा अभी सॉल्ट ऐड करूँगी, और इसे हमें प्रेशर कुक करना 4 व्हिसल तक। तो इसे हमें, इसमें बहुत हल्का सा सॉल्ट डालना है, क्योंकि ये रिड्यूस होकर बिल्कुल 1/4 हो जाएगा। और अब मिक्स करके इसे बंद कर देना। तो तब तक इतना प्रेशर लग रहा है, मैं मसालों की तैयारी कर लेती हूँ। मसालों मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर बड़े साइज़ के, और 8 से 10 लहसुन, 1 इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च और जीरा। और इसमें प्याज और टमाटर को हम बारीक काट लेंगे, और लहसुन अदरक को भी हमें क्रश कर लेना है, और मिर्ची को चॉप कर लेना है। तो गाइस, 4 व्हिसल आने के बाद मैंने इसे खोला है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो इसे हमें सुखाना है। पर इसे हम पानी को हम पूरा नहीं सुखाएंगे, ये जब 1/4 इसमें पानी रह जाएगा तब इसमें हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। मैं करी हूँ तड़के की तैयारी, और ये मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जीरा, और अब मैं इसमें ये चॉप किया हुआ अदरक डाल दूंगी। ब्राउन करना है हमें बिल्कुल। 1/4 पानी रह गया है स्टेज में, ये है बेसन, मैं थोड़ा बेसन और ऐड करूंगी, और ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1-2 से 3 टेबलस्पून दही। तो प्याज जो है वो हमारा अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब मैं इसमें क्रश जिंजर गार्लिक ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे, और साथ में ग्रीन चिली भी मैं ऐड कर दूँगी, और सबको अच्छे से फ्राई करना है। जब ये सब भुन जाए तब अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया है, और आप छोटे छोटे चॉप भी कर सकते हैं। तो सबको ऐड करके अच्छे से हम भून लेंगे, और जो भी हमारा पाउडर मसाला है, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची, सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे।
नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें। और हल्दी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और रेड चिली मैं कम ही ऐड करूँगी, ग्रीन चिलीज भी हमने ऐड कर दिया है। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा भुनकर बिल्कुल रेडी हो गया है साग में ऐड करने के लिए। हमारी साग जो है इस कंसिस्टेंसी की है, और इसमें जाएगा अब इसे अब हम 5 मिनट्स तक और कुक करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा साग बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको सर्व करूंगी।